दोस्तों, शायद एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसके दो जवान बेटे उसको लिपट कर रो रहे हैं और शायद मन ही मन यही सोच रहे हैं कि माँ हम लोग दूसरे बच्चों की तरह कब ठीक होंगे। ये तस्वीरें राजस्थान के फलोदी ज़िले की हैं, जो आगे हमारे सहयोगी प्रताप आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक माँ जो अपने दोनों बेटे जो 25 साल के और 30 साल के हैं, दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और पिछले कई सालों से लगातार सरकार और तमाम उन जिम्मेदार लोगों के सामने देख रहे हैं कि कोई आए, उनकी सुध लें, उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। लेकिन अभी तक इन दोनों भाइयों के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। हाँ, पेंशन जरूर शुरू हुई थी, लेकिन अब केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण इनको पेंशन नहीं मिल रही है और केवाईसी के लिए ये दोनों भाई जा भी नहीं सकते हैं, ना उनका थंब लगा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा आगे आप सुनिए कि मामला क्या है और हो सके तो इनका सहयोग भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, हम आज आए हैं फलोदी के जालोड़ा गाँव में। मैं आपको आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनाऊंगा जिसको सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक माँ जो पिछले 25 साल से अपने दो बेटों को ऐसी अवस्था में है जिनको कोई सुध नहीं है, उनके दोनों बेटे पूरी तरह से मानसिक रूप से अक्षम है, जिनके लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं मिली है और न कुछ उनकी इलाज का इंतजाम हो पाया है। एक ये माँ के पास खड़ा है और दूसरा माँ आपको बताएंगे ये यहाँ पर इस अवस्था में लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है, जो लोगों को देखकर कभी रेत उछालने लग जाते हैं या कभी पत्थर मारने लग जाते हैं। इनको कुछ सुध नहीं, आप देखेंगे कि इनके पैर की चोट लगी हुई है, पैर दर्द कर रहा है, लेकिन इनको कोई सुध नहीं है कि हम क्या करें तो सही रहेगा। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पाए, नहीं हमारी सरकारें कर पाई कि मेंटल हेल्थ पर बात की जाए। आप इनके देखेंगे तो इन्होंने सर के बाल नोच रखे हैं खुद के, माँ रो रही है गले लगकर। ऐसा दृश्य देखकर आप भावुक हो जाएंगे शायद, क्योंकि 25 साल का एक बेटा माँ से लिपट कर रो रहा है, माँ भी रो रही है। आप सोचिए, दो बेटे इस उम्र में अगर इस तरह हो जाए तो किसी का भी रोना लाजमी है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनकी आर्थिक रूप से मदद अगर कर सकें तो कीजिए। फलोदी जिले के जालोड़ा गाँव में श्री कान्हा राम जी के बेटे हैं ये, मम्मी से भी बात करेंगे। मासा कितने बरों बीमार है? दोनों ही भाई सहायता नहीं, कोई बात नहीं, पहले ढोनी जल गई थी, वो खेत है, ढोनी जल गई, बस कोई सहायता है कौन, कचरी बिजी कह रही कौन। भाई कितना है? चार। तो दो ही हालत में? दो है, मुंह पर आए। अच्छा। ये हम छोटे भाई है, भाई हार जावे दो। अच्छा, बाकी ये पेंशन वगैरह मिले? पेंशन आने बंद हो रही, के वो साड़ी भी ग्रो लेन कराओ के बंद हो रही। अच्छा, बाकी हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल वगैरह पास लोग लाउन के साड़ी भी जन ज्ञान के लो में मैं मतलब दास को पाल को ने मैं पार्टी कराऊं तब आ रही है। नहीं, अगर बढ़िया बढ़िया सुविधा मिले, व्यवस्था मिले तो अगर तैयार हो जावे बढ़िया। ये हाथ रे आनी चाहूं तो साथ में राखी है जरूर। साथ राखा मेल दे हॉस्पिटल तो मैं माँ कह रही है कि मैं सरकारी व्यवस्था में पागलखाने में भर्ती कराने की इच्छुक नहीं हूँ, जबकि अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इनको समझाएंगे कि इनको एक मथुरदास माथुर में किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दे, जिसके इनकी कुछ स्वास्थ्य में सुधार हो पाए। मैं प्रताप प्रजापत दे खटक के साथ फलोदी।